갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरे इस चैनल लिव लाइफ विद वंदना में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आपने भी इस बार जमकर होली खेली होगी और ढेर सारे कलर्स एक दूसरे को लगाए होंगे और आप सभी के पास इस तरह के बेकार कलर के डब्बे और इस तरह से टूटी फूटी पिचकारी इकट्ठी हो गई होगी जिन्हें आप वेस्ट समझ कर फेंकने वाले होंगे। तो फ्रेंड्स, उसे फेंकने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें, हो सकता है आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। आज हम इन्हीं वेस्ट में से बहुत ही खूबसूरत से DIY बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले दिनों में आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के फर्स्ट DIY को मैं बनाने वाली हूँ इस प्लास्टिक कंटेनर के साथ। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर के लेबल को निकाल लूँगी। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर आइसक्रीम स्टिक को स्टिक करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ आइसक्रीम स्टिक ले रही हूँ और उसे ग्लू गन की हेल्प से मैं इसके ऊपर स्टिक कर ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर इसे फेविकॉल की हेल्प से भी स्टिक कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आइसक्रीम स्टिक को हमें इस कंटेनर के चारों तरफ स्टिक कर लेना है। तो देखिए, कुछ इस तरह से ये लग रहा है। अब मेरे पास ये कुछ लेस पड़ी हुई थी तो इसको मैं इसके ऊपर स्टिक कर ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर पुरानी साड़ी का भी लेस यूज़ करके इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर इस लेस को स्टिक करने के बाद मैं एक और लेस इसके ऊपर स्टिक कर ले रही हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरह से झटपट से हमारा ये ब्यूटीफुल सा एक पेन स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे पेन स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चाहें तो आप इसे एज ए स्पून होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड DIY की तरफ। तो सेकेंड DIY को बनाने के लिए अगेन मैं इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर का ही यूज़ कर रही हूँ। ये भी कलर का कंटेनर था। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक लेयर जेसो की अप्लाई कर ले रही हूँ और जेसो की लेयर जब ड्राई हो जाए तब हम इसे पेंट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये कंटेनर अच्छे से ड्राई हो गया है। तो मैं यहाँ पर इसे गोल्डन येलो कलर से पेंट कर ले रही हूँ। आप चाहें तो कलर अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये कंटेनर अच्छे से ड्राई हो गया है। अब मैंने यहाँ पर जूट रोप को कुछ इस तरह से गूंथ कर पहले से तैयार कर लिया था तो इसे मैं इसके ऊपर स्टिक कर ले रही हूँ। इस जूट रोप को इस तरह से स्टिक करने के बाद इसके नेक में भी मैं जूट रोप को लपेट लूंगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसके ऊपर जूट रोप लपेट लिया है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं पर मैं इसके ऊपर इस तरह की लेस को स्टिक कर रही हूँ। ये लेस भी मेरे पास वेस्ट ही पड़ा था।
अब मैं इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मेरे पास ये फोम के फ्लावर्स पड़े हुए थे, तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो इसे मैं ग्लू की हेल्प से इस तरह से स्टिक कर ले रही हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा ये क्यूट सा प्लांटर बनकर तैयार हो गया है। आप इसमें पानी भरकर इसमें मनी प्लांट वगैरह ग्रो कर सकते हैं और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड DIY की तरफ। तो इसे बनाने के लिए भी मैं यहाँ पर इस कलर के डब्बे का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर के लेबल को निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये कलर का डब्बा कुछ इस तरह से लग रहा है। तो मैं इसके ऊपर इस कॉटन रोप को लपेट लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर जूट रोप भी लपेट सकते हैं। मैं यहाँ पर इस कॉटन रोप को इस पूरे डब्बे के ऊपर लपेट ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे हाफ में कॉटन रोप और हाफ में जूट रोप लपेट कर भी इसे बना सकते हैं, उससे भी ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। पूरे में जूट रोप लपेटने के बाद मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर की हेल्प से इसमें कुछ डिज़ाइन बना ले रही हूँ। और मैं यहाँ पर इसे बहुत ही सिंपल डिज़ाइन से बना रही हूँ ताकि आप इसे इजीली रिक्रिएट कर सकें। इस तरह से इसे पेंट करने के बाद मैं इसके ऊपर और नीचे की तरफ इस लेस को स्टिक कर ले रही हूँ। और इस लेस की वजह से ये DIY देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा ये DIY भी बनकर तैयार हो गया है। आप इसे चाहें तो एज ए पेन स्टैंड या फिर एज ए प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ DIY की तरफ। तो फोर्थ DIY को बनाने के लिए भी मेरे पास सेम इसी तरह का एक डब्बा है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक लेयर जैसो की अप्लाई कर ले रही हूँ। तो देखिए जैसो की लेयर अच्छे से ड्राई हो गई है। तो अब मैं इसे पेंट कर लूँगी और पेंट करने के लिए कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कंटेनर अच्छे से ड्राई हो गया है। तो मेरे पास ये लेस का एक पीस पड़ा हुआ था तो मैं यहाँ पर इसे स्टिक कर ले रही हूँ। हर बार आप जब भी कुछ DIY बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप हर बार लेस मार्केट से परचेस करें। आप कई बार अपने पुरानी साड़ियों का भी रीयूज़ करके उनके भी लेस को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके नीचे की तरफ इस रोज शेप के स्टिकर लेस का यूज़ कर रही हूँ। तो इसे मैं इसके नीचे की तरफ स्टिक कर ले रही हूँ। अब एंड में मैं कुछ इस तरह से डॉट्स बनाते हुए इसे कंप्लीट कर ले रही हूँ। और कुछ इस तरह से हमारा ये DIY भी बनकर तैयार हो गया है। और इसे भी आप चाहें तो एज ए प्लांटर या एज ए पेन स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ और लास्ट DIY की तरफ। तो इसे बनाने के लिए मैं इन कलर की छोटी छोटी डिब्बियों का यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इनके ऊपर जैसो कि एक लेयर अप्लाई कर लूँगी और इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए रख दूँगी।
अब मैं यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का रेक्टेंगल पीस ले ली हूँ और उसके एजेस को मैंने मास्किंग टेप की हेल्प से कवर कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर भी एक लेयर जैसो कि अप्लाई कर ले रही हूँ। जैसो कि लेयर जब अच्छे से ड्राई हो जाए तब हम इसके ऊपर वॉल पुट्टी का एक पेस्ट अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर ब्रिक वॉल पैटर्न बनाने वाली हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर वॉल पुट्टी अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरह से वॉल पुट्टी को अप्लाई करने के बाद हम इसे गीले हाथों से स्मूथ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट या सुई की हेल्प से इस तरह से ब्रिक वॉल पैटर्न बना लेंगे और इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो अब देखिए ये अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब इसे हम स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सैंड पेपर की हेल्प से इसे थोड़ा स्मूथ कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर वॉल पुट्टी की डो से इसकी डिटेलिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसे रोलर की हेल्प से बेल लेंगे। तो इस तरह से प्लास्टिक लगाते हुए हम इसे अगर बेलते हैं तो ये इजीली चिपकता नहीं है और अच्छे से निकल जाता है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से कुछ लीव्स पैटर्न बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं क्ले कटर की हेल्प से वॉल पुट्टी के लीव्स बना ले रही हूँ और हम इसे इस तरह से निकाल कर अलग रख लेंगे। अब मैं इसके ऊपर ट्री का शेप बनाने वाली हूँ। तो इसके ऊपर वॉल पुट्टी को स्टिक करने से पहले मैं यहाँ पर वॉल पुट्टी और पानी का एक पेस्ट तैयार करके इसके ऊपर अप्लाई कर ले रही हूँ और उसके ऊपर मैं इस वॉल पुट्टी को स्टिक कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर ट्री का शेप दे दिया है। अब मैं इसके ऊपर इस नाइफ़ की हेल्प से इसकी डिटेलिंग कर ले रही हूँ और अब मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी। तो जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तब हम इसे पेंट कर लेंगे। मैं इस ब्रिक वॉल को इस तरह से रफली पेंट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका लुक कुछ इस तरह से ही चाहिए। तो उसके बाद मैं इस ट्री को भी पेंट कर लूँगी और इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब हम इन कलर की डिब्बियों को भी अलग अलग कलर से पेंट कर लेंगे। मैं इन तीनों डिब्बियों को डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंट कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूंगी। अब मैं इन आर्टिफिशियल लीव्स को इन डिब्बियों के अंदर स्टिक करके छोटे छोटे आर्टिफिशियल प्लांटर बना रही हूँ। तो इस तरह से हम तीनों प्लांटर तैयार कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक को कुछ इस तरह से स्टिक कर ले रही हूँ और उन्हें मैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक करूँगी। तो ग्लू गन की हेल्प से मैं इसे स्टिक कर ले रही हूँ। ग्लू गन से स्टिक करने से ये इजीली स्टिक हो जाएगा। तो उसके बाद मैं उन सभी प्लांटर्स को इसके ऊपर स्टिक कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से हमारा ये DIY भी बनकर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के सभी DIY में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया जिस वजह से मैं कई सारे आइडियाज़ इसमें शेयर नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक पार्ट टू बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इन वीडियो का पार्ट टू देखना है तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप सभी के लिए और भी मज़ेदार DIY शेयर कर सकूँ। फ्रेंड्स, आपको आज के इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है ताकि मैं आप सभी के लिए और भी अच्छे अच्छे और मज़ेदार वीडियोस बनाती रहूं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।